गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में आखिरकार प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नगर थाना पुलिस ने आवेदक विष्णुकांत झा के आवेदन पर नगर थाना में कांड संख्या 427/20 दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताते चले कि विष्णुकांत झा ने एक आरटीआई के हवाले से सांसद निशिकांत दुबे के डॉक्टरेट की उपाधि पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि यह डिग्री फर्जी है। इसके बाद ही नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था, जो काफी दिन बीतने के बाद दर्ज कर लिया गया। देखिए, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे जी का एमबीए का डिग्री, जो कि एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि वो फर्जी है। हमने बस थाना प्रभारी जी को एक आवेदन दिया है देवगढ़ टाउन थाना में और मांग किया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर फर्जी डिग्री पर मामला दर्ज होते ही सांसद के समर्थक द्वारा आवेदक को धमकी दी जाने लगी है। इस बात को लेकर आवेदक विष्णुकांत झा ने देवघर उपायुक्त से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि जिस तरह से उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जा रही है, आने वाले दिनों में जान को भी खतरा है। देवघर उपायुक्त महोदय को हमने 2 दिन पूर्व ही एक आवेदन के माध्यम से सूचित किया था कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। कई माध्यमों से, फेसबुक और अन्य माध्यमों से धमकियां मिल रही है, इसीलिए उपायुक्त के माध्यम से सरकार से हमने मांग की है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और झूठा केस में भी फंसाने की संभावना है, इसको लेके हमने आशंका जाहिर की है और देवघर उपायुक्त महोदय को एक आवेदन के माध्यम से हमने सूचित किया है। किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले पर दबाव डालना अपने आप में एक जुर्म है और जब मामला हाई प्रोफाइल हो तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। क्या इसकी जानकारी सांसद के समर्थकों को नहीं है या जानबूझकर वह कानून को मजाक समझ रहे हैं? देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।